हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। मैं आपका दोस्त संदीप कुमार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं आ चुका हूं भिवंडी के डिंडीगढ़ सोनाले शिव मंदिर पे। आस्था का ये वो सफ़र है जिनमें चढ़ाव ज़्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुँचते पहुँचते थकान भी गायब हो जाता है, शरीर ही नहीं मन भी हो जाता है शांत। दोस्तों, आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है और ये मूर्ति चबूतरा से ढका हुआ है। आप ठीक मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ माँ दुर्गा देवी की मंदिर है और मंदिर पे भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर मंदिर पे रोज़ सुबह शाम आरती और पूजा होती है। दोस्तों, मैं मस्ती करते हुए इन पहाड़ियों इन जंगल के बीच में निकल पड़ा हूँ। देख सकते हो दोस्तों आप, एक कितना हरा अच्छा भरा जंगल है। ये सफ़र चल पड़ा है, हमको भी ले चला है, हम नहीं जानते हैं फिर रुकेंगे कहाँ। Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. आप देख सकते हो उस समय का दिया, इस बीच में पानी भरी हुई है जो अभी एक चिड़िया पानी पीती है यहाँ पे आके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुराने अवशेष हैं, उस समय के प्राचीन अवशेष। आप देख सकते हैं ये स्तंभ है, ये स्तंभ एक पिलर टाइप जैसा है। आप ये देखते हैं उस समय की पुरानी मूर्ति आप देख सकते हैं जो जमीन के नीचे पाई गई थी खुदाई के वक्त। यह स्तंभ को आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो बिखरे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और एक कुंड है, आप एक कुंड को भी देख सकते हैं। देखो कुंड के वहां से आसपास पे देखो, वहां से पानी आ रहे हैं। एक कुंड का पानी वहां से वहां तक जाती है, देख सके जो मैंने आपको दिखाया था। देखो ये पानी वहाँ से होते हुए वहाँ तक जाती है।
और ये शिवलिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ये प्राचीन शिवलिंग है और शिवलिंग के आसपास भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सब पुराने अवशेष हैं। यहाँ बहुत ही अवशेष पड़ी हुई हैं उस समय मंदिर का, जो ये मंदिर खुदाई के वक्त नीचे मिली थी, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम लोग जो देख रहे हैं ये जो पानी आ रही है इसके पीछे कुंड है, जो साल के 12 महीने तक ये पानी यहाँ से बहती रहती है और ये बहती हुई पानी पहाड़ियों के नीचे तक जाती है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ आगे। देख सकते हैं ये पुराने पुराने जो भी हैं यहाँ पे पुराने अवशेष हैं, आप देख सकते हैं जो सब जो अवशेष दिखाई दे रही है सब चट्टाने आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सब पुराने अवशेष हैं। और यहाँ पे आपको अवशेष देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अवशेष यहाँ भी पड़े हुए हैं। नंबर मंदिर में आया हुआ।